दोस्तों जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो से 100 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। बस इन टॉपिक को पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। अब की बार 95% पार्ट जितने भी स्टूडेंट करना चाहते हैं वो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस तरह की वीडियो हमने पहले ही एक बना चुके थे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश में भी कुछ बताइए। तो आज इस वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के, तो भी आज की वीडियो आपको लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और इन टॉपिक को तैयार कर लो जो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, 100 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 100 नंबर कैसे, पूर्णांक तो 70 का होता है, 70 नंबर आपका इससे पक्का हो जाएगा और 30 नंबर लगभग आपका स्कूल से मिल ही जाएगा। अगर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो 100% गारंटी मैं लेता हूँ ये आपका फिजिक्स में 95% से ऊपर जरूर आएगा। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला टॉपिक क्या है, फ्रेंकल दोष तथा शॉट की दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉट की डिफेक्ट्स, ठीक है, इतना हो गया। इसको आपको तैयार कर लेना, दो या तीन नंबर में हर साल ये आपसे लगभग पूछा जाता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, मोललता मोलरता नॉर्मलता, मोलेलिटी नॉर्मेलिटी, इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं दो तीन नंबर के, और ये आपसे दो नंबर या तीन नंबर में इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोलराउस का नियम, कोलराउस ला, हेनरी और राउल्ट का नियम, हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम नहीं आया तो राउल्ट का नियम जरूर आएगा। और एक चीज़ हम बोल चुके हैं, वन हाफ गुणांक, इसको भी आपको तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, ये सब चीज़ें आपको तैयार कर लेना है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्वर्ण संख्या, अपोहन, ब्राउनी गति, पेप्टिकरण, इससे आपका टिप्पणी लिखने के लिए आता है, इसे आपको तैयार कर लेना है। स्वर्ण संख्या, अपोहन, ब्राउनी गति, पेप्टिकरण, गोल्ड नंबर, डायलिसिस, ब्राउनियम मोशन, पेप्टिजेशन, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखिए पाँच नंबर वाले कुछ ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना है। कौन से टॉपिक है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, अमोनिया बाई हैबर्स मेथोड, फिगर यानी चित्र सहित इसको आपको तैयार कर लेना है। 100% चांसेस है अब की बार 2023 में इसके पूछने को, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक एसिड बाई कॉन्टैक्ट मेथोड, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। कौन सी विधि, संपर्क विधि जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, लेड चैम्पर मेथोड by prepare sulfuric acid, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, ठीक है। ओजोन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है, चित्र सहित इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। एलर्ट टू प्रिपेयर ओजोन गैस फिगर सहित इसको आपको तैयार कर लेना है, आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, अपोहन, इसको तो अभी बताए थे। उसके बाद देखिए, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, डायलिसिस, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दो नंबर में भी पूछा जाता है, पाँच नंबर में भी पूछा जाता है, एक साथ सबके लिए टिप्पणी करने के लिए। उसके बाद देखिए फॉस्फीन बनाने की विधि, मेथोड्स ऑफ फॉस्फीन प्रिपेयर, बात समझ रहे हैं। उसके बाद इसको आपको डिटेल्स में आपको पढ़ना है, दो नंबर तीन या पाँच नंबर का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कैनिजारो की विधि, मेथोड्स ऑफ कैनिजारो, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अक्रिय गैस, लेंथेनाइट संकुचन, फ्रेआन, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहां से आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं। प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, ये दो या तीन नंबर में ये भी आपसे पूछा जाता है। मेथड्स ऑफ फार्मिक एसिड प्रिपेयर इन लैब, आपको क्या करना है, इन सभी को डिटेल्स में पढ़ना है। डिटेल्स में पढ़ने का फायदा क्या रहेगा, पांच नंबर किस तरीके से आप तैयार करेंगे, दो या तीन नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप लिख ले जाएंगे। उसके बाद देखिए राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन,
कॉर्बिल यमीन अभिक्रिया, कॉर्बिल यमीन रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया, स्मिट रिएक्शन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपको टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, अपोहन, इस तरह से आपके आपसे टिप्पणी लिखने के लिए आता है, उसी तरह से इन अभिक्रियाओं पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, ठीक है। इसमें अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ल्यूकास परीक्षण, कोल्बो अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइमेटिमन रिएक्शन, कॉर्बिल एमीन रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, ल्यूकास कोल्बो रिएक्शन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है अगर वह इंग्लिश में भी तैयार करते हैं तो आगे चल कर CBSE में जब वो जाएंगे तो वहाँ पर सब इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़िए। आगे देखिए क्या है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि, इसको भी आपको तैयार कर लेना, सल्फर डाइऑक्साइड लैब मेथड, ठीक है। बात समझ रहे, अमोनिया का निर्माण तो हमने बताया ही है, अमोनिया का निर्माण हाइबर विधि द्वारा, ये भी आपको तैयार कर लेना है, और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है ये भी आपको तैयार कर लेना, ओस्टवाल्ड मेथड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये दोनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड विधि और हाइबर विधि, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। उसके बाद देखिए ब्रॉडी ओजोनाइजर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडी ओजोनाइजर, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, इसको हमने बताया, और विरंजक चूर यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आता है विरंजक चूर यानी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसके बाद देखिए IUPAC नामकरण को जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होता रहेगा, और देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब, इसको भी आपको तैयार करके जाना, 10 अगर आप तैयार करेंगे दोस्तों IUPAC नामकरण, जितने ही ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होता रहेगा, और क्या होता है जब, ये रटने वाली चीज़ें नहीं दोस्तों, इसे आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होता रहेगा, और कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये दोनों रिएक्शन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग यहाँ से आपका 20 नंबर आता है, ठीक है। तो एक काम करिए, इसके हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें क्या होता है जबकि सभी रिएक्शन आपको बताए जाएंगे एक साथ, और कैसे प्राप्त करोगे इसके भी रिएक्शन एक ही वीडियो में आपको बताए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात IUPAC नामकरण को हम बहुत ही सरल भाषा में आपको एक वीडियो में बताएंगे, इन तीनों की तीन वीडियो आपको मिलेगी जिसमें से आपका एक भी नंबर नहीं छूटने पाएगा, और अगर आपने केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, जैसे IUPAC नामकरण, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इन तीनों की तीन वीडियो आएगी, उन तीन वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपका 20 नंबर तुरंत पक्का हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।